शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगं। प्रथम पदे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतवर्षे भरतखंडे भरतखंडे मेरो हो मेरा हो दक्षिण पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे। पंडित जी आप तो पाछड़े पर अटक के आगे चलिए, आप लोग मंत्रों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते। अरे पंडित जी जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी कीजिए, हमारे पास इन बारीकियों के लिए समय नहीं है। तुम्हारे माता पिता के पास तो बहुत समय था तुम्हें जन्म देने के लिए, पालने पोसने के लिए, और तुम्हारे पास उनके लिए जरा भी समय नहीं है। देखिए पुरोहित जी, जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ वो 50 वर्ष के थे, आपकी तरह अगर मैं यहाँ जाप करता रहा यही 50 वर्ष का हो जाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं भी 50 वर्ष का रहूंगा। मनुष्य को जो भी कार्य करना हो पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। आजकल के जमाने में पुरोहित को भी जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, वरना पूरी दक्षिणा नहीं मिलती। और मैं ऐसी दक्षिणा के चंद पैसों के लिए अपने आप को नर्क में नहीं धकेल सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। हम तो जाएं। ठीक है तो मैं ही चला जाता हूँ। जा, 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 जाओ तुम भी तो हठधर्मी हो, अगर उनकी बात मान लेते तो क्या हो जाता। मैं पुरोहित हूँ, नेता नहीं हूँ। जिस तरह छंटी हुई सभा के साथ वो अपना भाषण छान देते हैं, मैं वेद मंत्रों को कतर नहीं सकता। दुनिया में रहने के लिए दुनिया की रीतियों को सीखना ही पड़ता है। यजमान भी इस तरह का ग्राहक होता है, जिसे घर चलाना हो उसे ग्राहक की बात माननी ही पड़ती है। सावित्री वो ग्राहक होंगे लेकिन मैं फिर मिर्चों की दक्षिणा, ऐसी दक्षिणा दंड है मेरे लिए। मैं उनके 50 पैसों के लिए अपना लोक परलोक नहीं बिगाड़ सकता। लोक परलोक तो दूर की बात है, मगर पेट नसीब और खाली पेट कोरे धर्म से नहीं भरते। तुम्हारे यजमान तुम्हारे सिद्धांतों से इसी तरह कम होते गए तो घर कैसे चलेगा। तुम्हारा गाँव तो है छोटा और कुनबा बहुत बड़ा। मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता, ना कुनबा छोटा कर सकता हूँ ना गाँव बड़ा, समझी। लेकिन मैं एक बात पूछती, तुम
तुम्हारी बेटी शालिनी जो मैट्रिक पास करके घर में बेकार बैठी है, वो बाहर जाकर काम क्यों न कर ले? मुट्ठी पर आता और डांट तो कमा ही ले। तुम्हारा मतलब है मुझे बेटी की कमाई पर जीना होगा? तो इसमें बुराई क्या है? नौकरी में पहली तारीख को तनख्वाह तो मिल जाती है और पुरोहित की कमाई बिन मौसम की बरसात, कभी हुई कभी नहीं हुई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। राम शास्त्री की बेटी नौकरी के लिए बाहर जाए? नहीं नहीं। और फिर उसकी अभी उम्र भी क्या है, वो तो अभी बच्ची है बच्ची। अरे ओ कुंभकर्ण, सुबह के 8 बज चुके, मैं खेतों का चक्कर लगा के आ गया और तू अभी तक खराटा मर रहा है। अरे उठता के नहीं। ये क्या? ये तेरा मुंह पर। पता नहीं क्या हुआ। क्यों काका, लग रहा है ना पूरा महाराणा प्रताप। अच्छा तो ये तेरी शरारत थी? मैंने सोचा इतनी देर तक तो छोटे बच्चे सोते हैं, तुझे जरा बड़ा बना दूं। अरे जो मैं तुझे बनाऊंगा ना, छठी का दूध याद आ जाएगा तुझे। अच्छा अच्छा जा, पहले मोज तो उतार। मैं कुंभकर्ण कह रहा था, तू रावण लग रहा। सच? काका ये मुझे तो अभी कभी नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी कोमल तार से बनी हुई है, अगर पत्थर लेकर घसेगा ना तो भी नहीं हिलेगी। कभी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगी। लेकिन कुछ भी है, ये मूंछें हैं तारीफ के काबिल। कम से कम इन मूंछों ने बाबा को तो हटा दिया। कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी अब तक? कैसा काम काज तो भूल रहा, इसे खाने मरने की भी फुर्सत नहीं। देखो तो तार की तरह लंबी हो गई है और खेलती है बच्चों की तरह। अरे तेरी उम्र में तो मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी और तू है कि जैसे 2 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची हो। मैं कहती हूँ बंद कर। मेहमान के आने का संदेशा दे रहा है। अरे जाता है या नहीं? कोई उड़ा उसे? इसने तो नाम ही नहीं ले रहा। अरे कप्पे को खाने से कुछ नहीं होगा, वो ट्रेन को ही उड़ाना चाहिए जिसमें मेहमान आ रहे हैं। तो चलती है मेरे साथ? चलती है? चलती? नहीं तो रह जा। चुपके चुपके सिगरेट पी रहा है। अरे तू है? क्यों, अगर काका को बोल दूंगी तो जानता है क्या होगा? तू जाएगी कैसे? बांध नहीं लूंगा। कैसे बांधेगा? रस्सी बांधेगा मेरे गले में। हाँ हाँ डालूंगा, जरूर डालूंगा, लेकिन रस्सी नहीं, मंगलसूत्र। अरे जा जा, तू क्या बांधेगा मंगलसूत्र मेरे गले में? मैं हूँ ब्राह्मण, तू नहीं है। सारा गाँव थू तू करेगा हमारे खानदान पर। करने दो, आपने को क्या फर्क? अरे पूरा तालाब ही पी जाएगी या चिल्लू पर पानी भी छोड़ेगी दूसरों के लिए? तू कौन होता है बोलने वाला? तुझे पानी चाहिए तंबाकू की भूमि मिटाने के लिए और मुझे पानी चाहिए पेट की आग बुझाने के लिए। पिताजी। क्या? मुझे बॉटनी रिकॉर्ड खरीदना है,
कॉलेज के लिए। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन तूने मुझे बहका दिया, कहने लगे पहले साल पढ़ाई मुफ्त होती है। पढ़ाई मुफ्त होती है मगर सरकार किताबें तो मुफ्त नहीं देती। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ जो सीमा तक नहीं पहुंच सकते उन्हें आकाश का नहीं सोचना चाहिए, ये मूर्खता है। देखो देखो कि बालों का फैशन तो देखो, ये ब्राह्मण है आजकल का ब्राह्मण। चले 2 रुपए बस इतना ही है मेरे पास। संध्या वंदन किया जी? हाँ बस 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 चलो सर, यही है तेरे मामा का घर। अच्छा जी अच्छा, मामा का घर आ गया। अरे ठहरो भाई, अभी पैसे भिजवाती हूँ। भैया भाभी कहाँ हो तुम? अरे आओ आओ जानी। अच्छा जी अच्छा, मामा जी माँ माँ। अच्छा जी अच्छा, पूर्णा सर कौवे ने तो बता ही दिया था दीदी, तेरा कौवे को भगाना बिल्कुल बेकार। आओ बुआ जी आओ। शालिनी भाभी कहाँ है? पहले तुम अपनी बताओ जानकी। भैया अरे ये रोने क्यों लगी, तुम्हारे पति तो ठीक है ना? आओ बहन भाभी। अच्छा जी अच्छा मामी जी। भाभी भैया वो तांबे वाले को पहले जाने दो, हम वो 2.5 रुपए मांग रहा था, मैंने 2 रुपए में तय किया है, उसे जाने दो। जाओ तांगे वाले को 2 रुपए। लेकिन पिताजी मेरा बॉटनी रिकॉर्ड। जाओ जाती जाओ। रो क्यों रही हो बहन, तुम्हारे वो तो ठीक है। कुछ मत पूछो, अरे कुछ मत। मैं बता। बता ना। क्या हुआ दीदी? होना क्या है, मेरे बाबूजी घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़कर भाग गए और तू हंस रही है, तुझे शर्म नहीं आती? भैया तुमने बड़े प्यार से मेरा नाम जानकी रखा था, जैसा नाम वैसा ही भाग। 14 साल का वनवास हुआ था, भगवान जाने मेरा वनवास कई साल का है, 14 बरस 14 महीने या 14 दिन जो भी कुछ हो, अब तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही पड़े होंगी। तब तक मेरा सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पालना पोसना सब कुछ भैया। ये खाली है भाभी, मुझे इस वक्त रोटी की जरूरत नहीं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, सिर्फ एक बड़ा ग्लास दूध दे दो और एक मेरी बेटी को भी, आपको तो मालूम है मैं दूध से भी गुजारा कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लीजिए मैं आ गया। ये क्या आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अपने पिता की शराब नहीं करेंगे? बेटा जी श्राद्ध बाद बाद में होता रहेगा, आप इतनी देर से आए हैं, उधर कलेक्टर साहब दौरे पे आए हुए, मुझे जाके उन्हें हाजिरी देनी है, सलाम करना है। आपके साहब का सलाम आपके पिता की श्राद्ध से ज्यादा जरूरी है, आप उन्हें कह नहीं सकते कि आपके पिता का श्राद्ध था इसलिए आने में जरा देर हो गई। जी हाँ कह सकता हूँ, लेकिन कलेक्टर साहब भी तो कह सकते हैं कि तहसीलदार साहब आपको काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए अगले साल दोनों श्राद्ध एक साथ मना लेंगे। पाप नहीं होगा पंडित जी, आपको पाप और पुण्य से क्या लेना है, आपको अपनी दक्षिणा चाहिए ना। तहसीलदार साहब मैं पुरोहित हूँ, भिखारी नहीं हूँ। पिताजी मेरा बॉटनी रिकॉर्ड। भाड़ में जाए तुम्हारा बॉटनी रिकॉर्ड, कलेक्टर के दौरे और तहसीलदारों के सलाम इसी तरह चलते रहे तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब जाओ यहाँ से। कदम कदम सुनो कदम, मुझे बड़ा तरस आता है तुम पर। ये लो 2 रुपए और पॉटनी रिकॉर्ड खरीद। नहीं उषा, पॉटनी रिकॉर्ड की कीमत होती है 2 रुपए, तरस की बहुत ज्यादा और मैं वो नहीं चुका सकूंगा। ले लो ना। थैंक यू। भाभी यहाँ कोई सिनेमा उन्मा है कि नहीं? है तो। अब कौन सी पिक्चर चल रही है? तुम्हें पसंद नहीं आएगी बुआ। क्यों? हमारी भाव की नहीं है। अरे मगर नाम तो बता। पति भक्ति। देखिए भाभी
अब तुम्हारी बेटी भी मेरी ठटका करने लगी है। इसकी तो आदत है। अरे इतनी जल्दी लौटा श्राद्ध पढ़कर? क्या हुआ उषा को इस तरह क्यों फेंक रहे हो? और क्या करूं? उन पर तो फेंक नहीं सकता जिन पर फेंकना चाहिए। मगर बात क्या है, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? बस इतना ही समझ लो सावित्री, दुनिया ने अपना धर्म छोड़ दिया, पुरोहित ने अपना कर्म छोड़ दिया। ये दुनिया एक नया बाजार है, इसमें पूजा पाठ दान पुण्य जैसा पुराना माल नहीं बिकेगा। तो भैया अपना घर और हमारा गुजारा कैसे चलाओगे? ये घर भी वही चला लेगा जो सारा संसार चलाता। मैं बताऊँ ये सारी गड़बड़ कहाँ हो रही है? दुनिया बदल रही है मगर तुम बदलने के लिए तैयार नहीं हो। तो तुम क्या चाहती हो? मैं भी उन जैसा हो जाऊँ जिन्होंने दुनिया आपस में बांट ली है, जिनका कोई चरित्र नहीं, सिद्धांत नहीं, मर्यादा नहीं, नौकरी ही जिनका शास्त्र है और पैसे ही जिनका पिता। लेकिन तुम अकेले तो सारी दुनिया को सुधार नहीं सकते। अरे जिस दुनिया को राम और कृष्ण जैसे भगवान नहीं सुधार सके, उसे भला मैं क्या सुधारूं? मैं ऐसी दुनिया को केवल छोड़ सकता। गिरिजा, गिरिजा। जी पिताजी। मेरे मन में आज बड़ा धुआं उठ रहा है, उसे हटाने के लिए कोई चौपाई सुना बेटी। अच्छा पिताजी। गौतम कहते हैं, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है, मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल होना चाहता हूँ और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने सुना होगा 100 बीमार मारने के बाद आदमी आधा डॉक्टर बनता है। पहले 100 आदमी मारो फिर आधे डॉक्टर बनो। शिवरात्रि के शिवरात्रि हमारी पूजा करो, उसके बाद हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें पूरा डॉक्टर बना देंगे। देवी माता, मैं बीए करके फौज में अफसर होना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? चमचू शास्त्री। देवी तुम हंस क्यों रही हो? नाम है इसका चमचू राम और बनना चाहता है फौजी अफसर। पहले तुम अपना नाम बदलो बच्चा, क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत ही घटिया है, फौजी अफसर के लायक नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है देवी। क्या देवी? दो देवियाँ कैसे हो सकती है? नहीं देवी जी नहीं, ये तो धरती की देवी है। ओ मुझे चाहिए एक सुंदर सा पति। बस करो, बस करो, ये तो देवी चली जाएगी। मेरे पति के पास जमीन हो 100 एकड़। 100 एकड़? हम चाहे तो तुम्हें 100 एकड़ जमीन दे सकते हैं, मगर हम क्या करें? आजकल भारत पर जिस देवी का राज चल रहा है, उसका हुक्म है सिर्फ 18 एकड़ जमीन ही देने का। देवी माता की जय। अब मेरी बारी है देवी माँ। क्या नाम है तुम्हारा? पूर्णा। पूर्णा, इतना अच्छा नाम तुम्हें किसने दिया? मेरे माता पिता ने। उनके 4 बच्चों में मैं तीसरी बेटी हूँ। उन्होंने संकल्प किया था कि मेरे बाद ये परिवार पूर्ण हो जाएगा। तो क्या परिवार पूर्ण हो गया? यही तो नहीं हुआ देवी माँ। इन्हें क्या पता था कि मेरे बाद ये 4 आ जाएंगे लाइन लगा के। देवी
बताइए देवी माता, मैं बहुत बड़ी गायिका बनना चाहती हूँ। अच्छा जी अच्छा। मैं चाहती हूँ मेरे भी रिकॉर्ड लता मंगेशकर की तरह दिन रात रेडियो सिलोन विविध भारती पर बजे। बजेंगे बजेंगे जरूर बजे। भागो पिताजी आ गए, वरना देवी के साथ भक्तों की भी पूजा हो जाएगी। भागो भागो। बच्चे नाटक कर रहे हैं। हाँ हाँ देख रहा। कुछ समझे भी? हाँ हाँ समझा। सब के सब एक कौड़ी के भी नहीं, निकम्मे बेकार। तब तो तुम कुछ भी नहीं समझे। तुम केवल शास्त्र पढ़ सकते हो मगर अपने बच्चों के मन की भाषा नहीं। मैं पूछती हूँ, जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेता है उसके लिए सुख के सपने देखना भी पाप है? देख तो अब गहने कैसे चमक गए हैं। हाँ देखते सोने का लगता है। इन पगलियों को कौन समझाए। आदमी सात जन्म गिस्ता रहे फिर भी पीतल कभी सोना नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाए तो उसे कौन मानेगा कि राम शास्त्री की बेटियों ने असली सोना पहना है। घूर के गए सांझ को लौटे, कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम सोच रहे होंगे मेरी जबान बहुत चल रही है, यही ना, मगर इसे रोको भी तो कैसे। न घर में आटा है, न दाल है, न चावल है। सुन लिया सुन लिया, ये लो पांच रुपए। पांच रुपए? मगर इतने रुपए तुम्हें कहां से मिले? मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में हजारों सवाल कांप रहे हैं। न मैंने चोरी की है, न भीख मांगी है, ये मेरे अपने हाथों की कमाई। लो तुम्हारे हाथ में तो छाले पड़े हैं। पत्थर कूटने से छाले नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेगा। तो एक बात मुझे मालूम है, आज की दुनिया में मंत्र सस्ते हैं कंकर महंगे। लेकिन पत्थर कूटते वक्त तुम्हें किसी ने देखा था नहीं? मैंने अपना मुंह ढांप लिया था। राम शास्त्री जी पत्थर कूटते वक्त कैसे लग रहे होंगे? तेरी हंसी छूट रही है और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इन हाथों में छाले क्या पड़े हैं, मेरी छाती में छेद हो गए। तुझे तो अंधेरा हो या बरसात हो या सूखा, बस हंसना हंसना हंसना। धरती हंसती रे छलके मस्ती रे, धरती हंसती रे हाँ हाँ छलके मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे कली कली पे धूप हंसे, हर बार में भी हंसती रे हाँ हाँ धरती हंसती रे हाँ हाँ छलके मस्ती रे, रंग हंसे रूप हंसे कली कली पे धूप हंसे, हर बार में भी हंसती रे हाँ हाँ। Hey.
मैं तुझे कोई चीज देना चाहूं, तू लेगी? ऐसी वैसी कोई चीज देगा ना तो लाफा मारूंगी। देख मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता तू फटे हुए कपड़ों में घूमती रहती। क्यों अच्छा नहीं लगता? पता नहीं। देख मैं एक काम करती हूँ, गाँव में कितने लोग हैं जो बिना कपड़े के घूमते हैं, सबको तेरे पास भेज देती। क्यों? कपड़े बांटते रहना। लेकिन ये साड़ी तो मैं तेरे लिए लाया हूँ। देख फटे हुए कपड़ों में झांकना अच्छी बात नहीं होती ना। बहुत अच्छा, उसने तुम्हें साड़ी दी और तुमने ले ली। अरे शर्म से डूब क्यों नहीं मरी दादी? तो इसमें कौन सा अनर्थ हो गया माँ? अनर्थ? वो अनर्थ तुझे साड़ी की छेद की तरह नजर नहीं आया, मगर तुझे इतना तो समझना चाहिए एक मर्द से साड़ी लेने में और दुकान से साड़ी लेने में कितना फर्क होता है। तो क्या हुआ, पैसे तो दुकान से जाके ले लूंगी। तू अच्छी तरह जानती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तो तुझ पर तरस आता है और अपने आप पर रोना। अगर एक माफ करे भी तो क्या करे, शायद उसके संतान के भाग में चिथड़े बिछे। ला जरा दिखा तो। बिल्कुल तेरी तरह रेशमी। सुन बेटी, तुझे किसी ने साड़ी लेते हुए देखा तो नहीं ना? माँ को पूछना ही पड़ता है, हम गरीबों के पास और तो कुछ नहीं, बस एक इज्जत होती है। तुझे पहननी है ना, पहन दे। खाने के वक्त अपना घर बिल्कुल अनाज की दुकान की तरह लगता है, जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है और अनाज कम। बस बस अब बचना बंद, चलो खाना शुरू करो। ठहरो, खाने को कोई छुए भी नहीं। खाने से पहले मुझे एक बात मालूम करनी। मीनू, तूने हाथ बढ़ाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आज किसी से बड़ा अपराध हो गया। मैं अपराधी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुद सामने आए और अपना अपराध स्वीकार करे। जब तक ये नहीं होगा कोई भी अन्न मुंह में नहीं डाल सकेगा। गरीब को खाना खिला दो माँ। ये ऐसी भीख मांगना अच्छा है, लेकिन वो काम अच्छा नहीं जो आज राम शास्त्री के परिवार में से किसी ने किया। गरीब पर दया करो माँ। जरूर तुमने कुछ किया होगा, जल्दी बता दो ना, बहुत भूख लगी है। खाना खिला दो। वो भूल, वो अपराध यही है ना? हाँ यही है। गरीब पर दया करो माँ। दे दो इसे उस भिखारी को। ठीक है, अब तुम खा सकते हो। खाने से इस तरह उठ जाने का मतलब? बड़ी भूख लगी है। ये भी उसी को देने जा रही हूँ। उसकी साड़ी फटी हुई थी, मैंने नहीं दे दी तो कौन सा पाप किया? उससे इजाजत नहीं ले सकता था तू? किसी पे तरस खाने के लिए इजाजत? मैं नहीं समझता, ये सिर्फ तरस था। आप समझ गए तो अच्छी बात है। क्या बकरा है तू? मतलब ये, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता। वो कितनी भोली है, कितनी मासूम है, तुम्हारे साथ हस्ती खेलती है, इसका मतलब है तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उसे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। बाबा सुन लो, मैं प्यार करूंगा तो सिर्फ उसी से। अशोक होश है तुम्हें?
जान दो उसका खानदान क्या है, दांत कितनी ऊंची है। खानदान दांत सब पुरानी बातें हैं, आज नया जमाना आ गया पापा। नया जमाना क्या दिया है दुनिया को इस नए जमाने? मैं कहता हूँ भूल जाओ इसी वक्त, नहीं तो मुझे भूलना होगा कि तुम मेरे बेटे हो। ये भी पुरानी बात है, दुनिया के हर युग में हर बाप ने हर बेटे से यही कहा। क्या मतलब? पापा मैं शालिनी को भूलना नहीं चाहता। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी गुस्ताखी। मैं जानता हूँ आगे आप क्या कहेंगे, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ, निकल जा मेरे घर से, मेरी पूंजी से एक नया पैसा नहीं मिलेगा, यही ना। ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं महसूस होगी, मैं खुद ही चला जाऊंगा, ताकि समाज में आपकी बदनामी ना हो, लोग आप पर उंगली उठा के ये ना कह सके ये एक वो पाप है जिसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। शास्त्री जी का घर मालूम है जहाँ शालिनी नाम की लड़की रहती है? हाँ हाँ बाबू जी, वो रहा घर। एक काम करना, कल सुबह ये चिट्ठी ना, ये साड़ी किसने दी? ये साड़ी उसी ने दी है जिसके लिए आप चिट्ठी दे रहे हैं, बड़ी देवी है। हमें भी अपने साथ ले चलो ना सिनेमा देखने। मैं कहाँ जा सकती हूँ? देखो भाभी, भाई के घर बहन आती है तो लाख चीजें मांगती है, मगर मुझ गरीब को कुछ नहीं चाहिए, न खीर न पूरी न हलवा न कचौरी, बस कभी कभार सिनेमा दिखा दिया करो, तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं होगा भाभी। अच्छा जी अच्छा, यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं पर तेरी माँ कुछ सिनेमा की सोचती है। सुन लिया मीनू, शौक तुझे है सिनेमा का और बातें मुझे सुननी पड़ रही है। किसी को कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती हूँ कि बच्चों को पालने का यह ढंग नहीं होता, इतने महंगे शौक नहीं दिलानी चाहिए। बस करो भाभी बस करो। मीना के बाबूजी सिनेमा के टैक्स ऑफिस में नौकर हैं, सिनेमा के पास समय मुफ्त में मिलते हैं। और पास भी कितने? चार। तो मैं हम दोनों सिनेमा देखते हैं और बाकी दो माँ बेच देती है। बस कर, जब से हम यहाँ आए हैं एक ही रागिनी एक ही कहानी, भूख भूख भूख। ठीक है भाभी, भगवान के पैसे उठाकर सिनेमा को दे रही है, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसे भी भगवान के, सिनेमा भी भगवान का। सिनेमा का नाम क्या है मालूम है भाभी? भगवत महिमा। माँ सुनो, जल्दी कहो ना माँ, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। Thank you.
अच्छा भी तो पक्का नहीं, पक्का भी तो अच्छा नहीं। अब भी तुम क्या समझे नहीं? आज हमें भूख नहीं, भूख नहीं, भूख नहीं। जोर जोर से बोलो। गरीब को खाना खिला दो माँ। क्या देख रहा है भैया? अरे तू रो क्यों रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना नहीं पकाया। तू ये झूठन खाएगा? ले खा ले खा ले। अच्छा जी अच्छा। मिले तुझे चावल? बताएगा क्या ये? ये है मेरे भैया, वेद और शास्त्रों की जीती जाती मूर्ति, और ये है उनका बेटा, भिखारियों से भीख मांगता है, उनके झूठे टिकड़ों में खाता है। भाभी भाभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से पकड़ा है, है ना सारे परिवार के लिए डूब मरने की बात। राम राम राम, आज कैसा दिन निकला है? पिक्चर देखी वो गंदी, ये सीन देखा उससे भी गंदा। भाभी तुम मुझे बच्चों को पालने का तरीका समझा रही थी ना, आज तुम्हारा तरीका भी देख लिया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं अपने गले में फंदा डाल कर मर गई होती। ऐसी संतान से तो कुत्ते के पिल्ले और सुअर के बच्चे। चल मेरे साथ। चलती है तो इंसान को ये याद नहीं रहता कि वेद और शास्त्र में क्या लिखा है। फिर ये तो अभी बच्चा है, इन बड़ी बड़ी बातों को क्या समझेगा? वो बुआ जी जो 50 साल की हो गई है, अपना सिनेमा जाने का शौक नहीं रोक सकती। ये बच्चा जब अभी 10 साल का भी नहीं हुआ, इसे भूख जैसे भूख को रोकना चाहिए। नहीं रोकेगा तो पाप करेगा। मैं बताऊं मां, सबसे बड़ा पाप क्या होता है? भूख। और भूखे को मारना उससे बड़ा पाप। तुमने अपने दुखों से छुटकारा पाने का। माँ
आज जो तुमने किया है इसके बाद कोई माँ अपनी औलाद को दूध की सौगंध नहीं दे सकेगी। तुम मुझसे कैसी थी ना, कब तुझे अकल आएगी, कब तू अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी, लेकिन आज मैंने तुम्हारी अकल और जिम्मेदारी दोनों का तमाशा देखा। मगर मैं करती भी तो क्या करती शाली, घर में बच्चों के लिए खाने को चार दाने तक नहीं। चार दानों की कीमत आज जाने है। कितनी सख्ती है तुम्हारी संतान माँ। बस करो शाली, बस करो। बच्चों की भूख ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझसे उनकी तड़प देखी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्हें जहर देना चाहा, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए चुप। जानती हो भगवान ने माँ को दिल क्यों दिया है और हाथ क्यों दिए हैं? दिल दिया है प्यार करने के लिए और हाथ दिए हैं आशीर्वाद देने के लिए। मगर तुम्हारा दिल हो गया इस पत्थर की तरह और हाथ हो गए काल के हाथ जो अपने बच्चों के लिए धतूरा पीस रहे हैं। मगर फिर भी तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी जाकर सबको जगाती हूँ। पहले मैं पीऊंगी फिर सब, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं माँ सबसे बड़ी हूँ। अब तक मैं तुम्हारी बेटी थी और तुम मेरी माँ, लेकिन अब रिश्ते बदल गए हैं। अब तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ। हाँ, आज से मैं तुम सबकी माँ हूँ, अपने भाइयों की, बहनों की, तुम्हारी, पिताजी की। अब मैं माँ बन कर दिखाऊंगी, मैं माँ बन कर दिखाऊंगी। क्या कहा, तू नौकरी करेगी? हर कितने माँ कहा है तेरी? माँ से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने इसे एक जगह बिठा दिया है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, अपना खुद सोच सकती हूँ। लेकिन मैं मरा नहीं अभी, मेरे हाथ पांव नहीं टूटे जो सड़क पर जाके मैं पत्थर न कूट सकूं। पत्थर कूटने का काम आप जैसे महान पंडित को नहीं मिलेगा। जैसे ग्रेजुएट चाहे भी तो उसे चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। क्या हो क्या गया है तुझे आज शालिनी? मुझे सचमुच कुछ हो गया है पिताजी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कोई और देखता तो पागल हो जाता। मौत का भेस बदल कर भूख इस घर में घुस आई है, उसके जहरीले पंजे सारे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, जब तक मैं जिंदा हूँ मौत को जीतने नहीं दूंगी। लेकिन मेरे दिल ने दूसरा ही फैसला कर लिया कि तेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया जाए। आपके दिल और मेरे गले के बीच 10 भूखे पेट हैं, उनके हजारों सपने हैं, लाखों अरमान हैं, लेकिन उनके सपने मेरे ब्याह से कई ज्यादा कीमती हैं। मेरा जीना उनके लिए, मेरा मरना उनके लिए, ये सब कुछ जानते हुए भी आप ये चाहेंगे कि मुझे ब्याह करना चाहिए काम नहीं? आपके सामने मैं इन सब से पूछती हूँ, बोलो मुझे क्या करना चाहिए? ये कमा कर लाए तो क्या बिगड़ता है भैया? तू नौकरी करेगी? हाँ करूँगी। आप पंचायत बोर्ड के चेयरमैन हैं, इतने लोगों को जानते हैं, क्या मुझे एक नौकरी नहीं दिलवा सकते? शास्त्री से पूछा तूने? उनसे क्या पूछना है, भूख को घर से दूर रखने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। रोटी में दफ्तर से आके बना दूंगी। सब कुछ तो तू ही करती दीदी, ऑफिस जरा ध्यान से जाना है। बात कहूं बुरा तो नहीं मानूंगी, हम लोग गरीब ना हो तो नौकरी क्यों करें? लेकिन आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम एक नई साड़ी और ब्लाउज क्यों नहीं खरीद लेती? अरे ये फैशन की मांग नहीं, शर्म का तकाजा है।
तुम नहीं जानती सुधा, मेरे घर में किसी को किताबें चाहिए, किसी को कपड़े। आज अनाज है तो कल कुछ भी नहीं। मेरा घर तो अच्छा खासा गांव है। आज मुझे पहली पगार मिली है, 170 रुपए। ये लीजिए। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैंने 8 आने में लोगों का ब्याह पड़ा, 4 आने में श्राद्ध किया। इतनी बड़ी रकम मैंने आज पहली बार देखी है, इसलिए जबान गूंगी हो गई। अपने पास रखो, तुम इस घर की माँ हो ना। मैं जिंदगी में हारा हूँ ना बेटी, इसीलिए खेल में हमेशा जीतता हूँ। आ गई ना बेटे की याद। गुस्सा तो सिर्फ एक दिखावा है तुम्हारा, दिल तो अब तक तड़पता है उसके लिए, है ना काका? आज तूने पकड़ लिया बेटी, लेकिन उस पागल को घर छोड़कर फौज में जाना चाहिए था क्या? कुछ भी हो, फौज में भी वो किसी से पीछे रहने वाला नहीं, खेल में वो मुझे हमेशा हराता। देख लेना, लड़ाई में भी दुश्मन को हराएगा। काका चाहिए चाहिए, सार वाला है। आया भाई। काका किसका तार है? मुझे क्या मालूम बेटा, तेरा तू पढ़ के बता। क्या लिखा है तार में? बोलना बेटे क्या लिखा है? तू क्या लिखा है तार में? काका तुम कहते थे ना अशोक सिंह को नहीं जीत सकता। उससे मौत जीत गई, वो लड़ाई में मारा गया। तुमने भैया से कहा है उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाओगी? हाँ। तो मेरे लिए गाने का मास्टर नहीं रख दोगी? तुझे भी आधी रात को क्या सोची? चल सो जा, सवेरे बात करेंगे। गौतम क्या उठक बैठक कर रहा? मुझे तो कुछ शादी की तैयारी मालूम पड़ती है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। शास्त्री जी अपनी बेटी की पहले शादी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अरे उसकी शादी कर देंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, खाएंगे कहाँ से? हाँ ये भी ठीक है। अरे गौतम आ रहा है। गौतम भैया ये वहाँ उठक बैठक क्या हो रही थी? मुझे मेडिकल कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, इसीलिए हनुमान जी के सामने नाक रगड़ी जा रही थी। लेकिन गौतम भैया मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना खाना जी का घर नहीं है। अरे आजकल के जमाने में तो मौत भी सिफारिश से आती है। हाँ भैया, अगर सिफारिश सही तो फिर से हो जाओ शुरू। मेरा बस एक ही सपना है काका कि मैं डॉक्टर बनूं। एडमिशन के लिए नंबर काफी नहीं होते, लोगों का कहना है सिफारिश की भी जरूरत पड़ती है। तुझे किसने कहा है? सब कहते हैं। देखो ना काका, मारे फिक्र के गौतम को सारी रात नींद नहीं आती। नहीं आती ना? कुछ करो ना काका। काका तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही होगा। सोच क्या रहे हो, पूना में किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे। तुम्हें जाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। देखते नहीं काका बहुत जोर से कुछ सोच रहे हैं। एक काम करो शाली, पूना में एक MLA है मेरे पुराने दोस्त, मैं उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ, तू उन्हें जाके मिल। मगर देख बात का जिक्र किसी से मत कर। किसी से नहीं करूंगी। पूना में तू रहेगी किसके पास? कोई है जान पहचान का?
जान पहचान का तो कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लूंगी। नहीं नहीं, अरे हाँ, तुम मेरी भांजी के पास जाकर रहना, ये ले कार्ड, इसका नाम पता, इसी में सब कुछ लिखा है। काका चिट्ठी लिख दो ना। देख रहे गौतम, एक शर्त पे चिट्ठी लिखूंगा, जब तू डॉक्टर बनेगा तो मेरा इलाज मुफ्त कर लाऊंगा। जरूर करूंगा काका, सिर्फ आपका नहीं, उन सबका करूंगा जो आपकी चिट्ठी लेके आया मेरे पास। अच्छा, बहुत भाभी। बाबा आप तो बहुत अच्छा नाचती हैं। देखो बेटी, इसे अपना ही घर समझो, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हूँ। माला का प्रोग्राम हो जाए तो वो सारा दिन तुम्हारे साथ ही रहेगी। प्रोग्राम से तो मेरी जान खा रही है। होता है, आप पहली बार स्टेज पर जा रही है ना। देखो तुम्हें मेरा प्रोग्राम देखने आना ही होगा। ये लो जी मंत्र। आऊंगी, जरूर आऊंगी। देखो बेटी, दुनिया में आसान रास्ता हमेशा अच्छा रास्ता नहीं होता, और मैं तो मानता ही हूँ कि मेडिकल कॉलेज में सिफारिशों से दाखिले मिलते हैं। सरकार ने कमेटियां बना रखी हैं, जहाँ हर लड़के की जांच होती है, जहाँ देखते हैं कि उम्मीदवार की काबिलियत कैसी है, उसके नंबर कितने। वो तो है, लेकिन सब कहते हैं कि बेटे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पूना आने के लिए तुमने पैसा और वक्त बर्बाद किया, अब अपना और नुकसान मत। हाँ, जगन्नाथ राव जी से कहना उन्होंने याद कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सुनिए, मैं अंदर की सब बातें सुन रही थी, अब जरा मेरे साथ चलिए ना। देखो दुनिया में सिफारिश के बिना कोई काम नहीं होता, तुम्हें अपने भाई के लिए मेडिकल में दाखिला चाहिए ना। उसके लिए मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो नेताओं की तरह ढोल बजाकर गरीबों की मदद नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही शाम को उसके पास ले जा सकती हूँ तुम्हें। तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा मुझ पर? अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरी सहेली है, उसका शो है भरतनाट्यम में, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा तो कल सही। सुनो, हेलो तुम, एक मिनट के लिए बाहर आओ ना। चलो ना। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, कल मैंने जिस आदमी का जिक्र किया था ना, वो आज ही रात दिल्ली जा रहा है, अगर उसे मिलना है तो आज ही मिल सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरी सहेली का शो शुरू होने वाला है। ये तो तुम पर है, या तो अपनी सहेली का शो देख लो या अपने भाई को मेडिकल में दाखिल करा लो। अच्छा चलती हूँ। चलो। हेलो, हाँ हाँ, मिस्टर साहब के पिए, कैसे हैं माता साहब? जी हाँ, मैं लाल बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर साहब काम में हैं? हाँ, नहीं भाई, मुझे उन्हीं से काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आई एम होल्डिंग द लाइन। हाँ अच्छा किया तुम, अच्छे लिए, वरना दिल्ली जाने के बाद। हेलो हेलो, हाँ हाँ मिनिस्टर साहब, मैं लाल बोल रहा हूँ। हाउ आर यू सर? हाँ कैसे हैं आप सर? जी कोई बड़ा मामला नहीं सर, छोटी सी बात। ओ, किसी को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाना है और आज फैसले का आखिरी दिन है। जी हाँ, आपके लिए आखिरी दिन। क्या साहब, आप तो आखिरी मिनट पर भी कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, इंटरव्यू हो चुका उसका। हाँ यही समझ लीजिए साहब, रिश्तेदार हैं, बहुत नजदीकी। हाँ हाँ, क्या कहा सर? नाम और नंबर। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट, जल्दी से अपने भाई का नाम और नंबर। माफ कीजिएगा आपको तकलीफ दी सर। नो नो, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ साहब, ये नाम और नंबर मैं आपके पीए साहब को दे दूंगा। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच सर।
चाहती हो कि मिनिस्टर साहब को नाम और नंबर ना बताऊं? जालसाजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। आज से मैं कृष्णा की माँ, अपने भाइयों की, बहनों की, तुम्हारी, पिताजी की। माँ, बच्चों को खाना खिला दो माँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है माँ। माँ, जानते ही नहीं। ये देखो दीदी, देखो तुम्हारा कारनामा, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। दीदी, दाखिला मिल गया है। जो तुमने मेरे लिए किया है, इस दुनिया में कोई बहन ने किसी भाई के लिए नहीं किया होगा। दीदी, गुना आने के लिए तुमने पैसा और वक्त बर्बाद किया, अब अपना और नुकसान। हीरे की कीमत बाजार में ही जाकर पड़ती है बेटी। मैं तो तुम्हें आज तक कांच और पत्थर ही समझता रहा, लेकिन तुम तो सचमुच ही हीरा निकली। चांदनी, तू तो बड़ी नटखट थी, तेरी वो हंसी क्या हुई? हंसी? हंसी मेरी खो गई है शहर में। शालिनी मुबारक हो, शालिनी मुबारक हो। हे, क्या समय झुंडा था पूना जाने का। वाह वाह, भाई को मेडिकल में एडमिशन और तुम्हें नौकरी में तरक्की, साथ में 200 रुपए ज्यादा।
200 रुपए ज्यादा। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं दिल्ली जाऊंगी कैसे। अरे भाई ऐसी तरक्की किसी के ही भाग में होती है। वो तो ठीक है लेकिन जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है उन्हें कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तुमने क्या खोया? क्यों तुम्हारी जैसी अच्छी सहेली नहीं खो रही हूँ इस नौकरी के लिए। दिल्ली में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है यहाँ से 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे और तरक्की की भी उम्मीद है। पहले मैंने सोचा था घर वालों के लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम कर सकेंगे अब तो शायद उनके दूसरे सपने भी पूरे हो जाए। मनुष्य के सपनों की कोई सीमा नहीं होती बेटी। ये दुनिया एक रेलगाड़ी की तरह जहाँ आदमी पहले लटकने की जगह ढूंढता है फिर बैठने की और फिर लेटने की। जब लेटने की जगह मिलती है तो लटकने की क्या जरूरत है। सावित्री मंगल का दिन अच्छा नहीं सफर के लिए इससे कह दो बुध को चली जाए। जाननी दिल्ली जैसे शहर में अकेली रहेगी तुम क्यों नहीं चली जाती उसके साथ जानकी। ना भैया ना चलो ना माँ चलो ना वहाँ बहुत सिनेमा घर है इसके ऊपर रोज एक एक सिनेमा। अरे चुप रह रोज एक एक सिनेमा। हाँ दिल्ली बहुत बड़ा शहर है जितना शहर बड़ा उतना अनाचार भी बड़ा। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाता है। दीदी दीदी क्या है तुम अकेली लगी हुई हो आओ मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। सच बता तुझे दीदी से चाहिए क्या। नहीं नहीं कुछ नहीं सच कुछ नहीं। कुछ तो है तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है बोल। तो तुम चेहरा भी पढ़ लेती हो। मुझे 300 रुपए चाहिए दाखिले की फीस के। क्या 300 रुपए? 300 रुपए तो सिर्फ दाखिले के लिए चाहिए आगे 5 साल पड़े हैं न जाने हर साल कितने पैसे की जरूरत होगी। तुझे 300 रुपए कब चाहिए। एक हफ्ते में। कमाल है तुम आज नौकरी पर आई हो और आज ही तुम्हें एडवांस भी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेरे भाई को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली है। अगर वो फीस नहीं भरेगा तो उसका नाम कट जाएगा। आप हर महीने मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। देखो विमेन हॉस्टल में जहाँ तुम रहती हो वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। इतवार को मेरे घर पे आ जाना मेरी पत्नी से भी मिल लेना और पैसे भी ले लेना। थैंक यू सर। कोई बात तो क्या वो इस दुनिया में नहीं। नहीं मरी नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं वो अक्सर बीमार रहती है। परसों से वो अस्पताल में पड़ी है और मैं यहां पड़ा हूं इस वीराने में अकेला बिल्कुल अकेला। लेकिन आपने तो मुझे अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए बुलवाया था ना। तुम्हें 300 रुपए चाहिए थे ना। ऊपर वाला भी क्या मजाक करता है जहां रूप देता है रुपया नहीं देता। तुम्हें 300 रुपए चाहिए था ना। पेश की नहीं कीमत भी नहीं भेंट समझो तुम्हारी तरफ से तुम्हारे भाई के लिए। मैं सब समझती हूँ तुम शरीफों की दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। ये रहे 300 रुपए इनकार कर रही हो। हाँ भाई मेडिकल कॉलेज दाखिल हो ना हो डॉक्टर बने ना बने तुम्हें क्या। शालिनी किसी तरह मुझे 300 रुपये चाहिए दाखिले के लिए नहीं तो तुम अपने प्यारे भाई गौतम का मुंह नहीं देख सकोगे। शालिनी
पांच साल की पढ़ाई मैं कैसे पूरी करूंगा? अरे बेसुरे सुर में सारे मा पानी सा सानी पा मरे सा ताकि सब गाए बजाए दुनिया ना पाए डार डोल सुर तारे जल बिसराए ताकि सब अपने जन्मदिन पर भी घर नहीं आती। जगह बहुत दूर है ना भाभी, मैंने तो उसे कई बार चिट्ठियां लिखी कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। उसने तो कोरा जवाब दे दिया कि बुआ जी तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत नहीं, मेरी तो यहाँ जरूरत नहीं वहाँ जरूरत नहीं, फिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ भाभी? भाभी भाभी शालिनी को क्या तनख्वाह मिलती होगी? अभी अभी उसकी चिट्ठी आई थी, उसकी और तरक्की होगी है, कुल मिलाकर यही कुछ 1500-1600 मिलते हो। अच्छा जी अच्छा। ना भाभी ना, किसी से मत कहना, मुझसे भी नहीं, हाय नजर लग जाएगी नजर। आज मैं अपने जीवन का पहला गीत अपनी प्यारी दीदी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ।
से बादल बरसता हुआ प्यास जग की बुझाता रहा, जैसे बादल बरसता हुआ उन्हें खुशबू लुटाता रहा, यूं ही तुम अपना जीवन लुटाती रही पर तुम्हें आशीर्वाद के साथ मुझे दीजिए। बेटा तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो, तुम्हारा काम खूब चले, लेकिन जानते हो तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया? शालिनी ने, उसे मत भूलना बेटा। काका, मेरे पिताजी ने आपको फौरन बुलाया है। गौतम, ये लड़की कौन है? जी, ये तहसीलदार साहब की बेटी है। ओ, आज तहसीलदार साहब को हमारी जरूरत कैसे आन पड़ी? मेरी दादी माँ का अभी अभी देहांत हो गया, पिताजी ने कहा है अंतिम संस्कार के लिए आपका आना बहुत जरूरी है। जरूरत तो दुनिया की सब माँओं से बड़ी माँ है। उस दिन तहसीलदार साहब के लिए कलेक्टर जरूरी था, आज पुरोहित जरूरी हो गया। काका, ऐसे वक्त पर तो कोई बदला नहीं लेता। गौतम, कह दो मैंने पुरोहित का काम छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त हमें दूसरे पुरोहित कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा बाप जाने, वो आज तक तहसीलदार का तहसीलदार ही रहा, लेकिन मैं अब पुरोहित नहीं रहा। कह दो इसे। मुझे लगता है
ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो मैं जानूं। तुम मेरे कामों में जाकर मत दिया करो, जाओ अंदर। मैं समझती थी आप बहुत बड़े शास्त्री भी हैं, बड़े आदमी भी हैं, लेकिन आज मालूम हुआ वो दोनों ये घर छोड़कर कहीं चले गए। अच्छा समझ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार के लिए। ये ठीक है पिताजी बहुत बड़े शास्त्री हैं, लेकिन शास्त्र तोता भी पढ़ सकता है, रख सकता है। जो पुरोहित मौत जैसी नाजुक खड़ी के वक्त पुराना हिसाब चुकाना चाहे, ये शरीर के यज्ञ को भी छूटा है, माने का फिर धोखा है। ठहरो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पे गर्व है बेटा। जिस शान के साथ डॉक्टर का स्टेथोस्कोप हाथ में उठा सकते हो, उसी शान के साथ पुरोहित की कुशा भी। तुमने एक भूले हुए शास्त्री को फिर से शास्त्र सिखा दिया बेटे। यहाँ लाओ, लाओ, चलो बेटे। फौज में नहीं गए थे? फौज में तो मैं अब भी हूँ, लेकिन यहाँ छुट्टियों पे आया। सार, मैंने तो सुना था कि तुम लड़ाई में मारा गया। नहीं, तुम कैसी हो? अभी मरी नहीं और ना ही मरने के बारे में सोचने की कभी फुर्सत मिली है। बैठो। नहीं, मैं चलता हूं, लेकिन जाने से पहले सच सच बता देना चाहता हूं, मैंने किसी विषय का पता पूछा था और वो आदमी मुझे गलती से यहां ले आया। गलती से नहीं, वो तुम्हें ठीक जगह पर लाया है, ये उसका पेशा है। नहीं शालू, ये झूठ है। ये सच है। तुम वहां पर अपनी जान पर खेल रहे थे भारत माँ की रक्षा के लिए, और मैं यहाँ उस चीज की भी रक्षा न कर सकी जिसे हर हाल में हर औरत को करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास कुछ और नहीं था बेचने के लिए? इतनी आसानी से और कौन सी चीज बिक सकती है? तुम भी तो वही खरीदने आए थे यहाँ इतने बड़े शहर में। और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत लंबी कहानी है। और लोग यहाँ कहानी खरीदने नहीं, चीज खरीदने आते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरा बाबा से इसी बात पे झगड़ा हुआ। उन्होंने जात पात ऊंच नीच का सवाल उठा लिया, और मैं जात पात ऊंच नीच से बहुत ऊपर उठ गई हूँ। देखो मैं कितने इनकलाबी हो गई हूँ। वाह, कितना खूबसूरत इनकलाब है। चालू, मैं एक सिपाही हूं, मेरा काम है मारना और मरना, लेकिन उसे मारने और मरने का शौक नहीं होता। तुम समझते हो ये सब कुछ मैं अपने शौक से करती हूं? ठहरो, जाने से पहले मुझे इतना बताते जाओ, क्या वो तार तुमने अपने हाथ से दिया था? हाँ, बाबा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मैंने वो तार दिया ताकि वो मेरी शक्ल हमेशा हमेशा के लिए ना देख सके।
वही शालू है जिसे मैं बरसों पहले जानता था। हर चीज पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है। तुमने इसे टांग क्यों रखा? पहले मैं आईना देखा करती थी, अब सिर्फ तस्वीर देखती हूँ। आईना देखने की हिम्मत नहीं होती। तस्वीर में तो अब भी कुछ बचा है, मुझे तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अशोक, मैं एक दुकान हूं, तुम दुकान पर आए जरूर, लेकिन ना तुमने कुछ खरीदा ना मैंने कुछ बेचा। मुझे सौदे की कीमत चाहिए, खैरात या ठीक नहीं। अपने रुपये वापस ले जाओ। कमाल है, इतनी छोटी जान कितनी बड़ी दुनिया से लड़ रही है। मिस्टर प्रेम कपूर, व्हाटमैन धूप किधर है? वेयर इज द सन? मैं क्या करूं सर, ऊपर जाके नीचे तो नहीं ला सकता धूप को। ओ शट अप, वेलकम वेलकम। मैं पास के गांव के नंबरदार का बेटा हूं। आपने बड़ी इज्जत दी इस गांव को शूटिंग के लिए चुनकर। प्लीज कभी हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आइए ना। हाँ, वक्त मिला तो जरूर आएंगे। थैंक यू। बाहर में नजरें मिला
बाहर में पहले दिल घबराए फिर ऐसा जादू छाए दिल को रहना जाए दिल की खबर हो जाने क्या हो जाए जब दिल से दिल टकराए सच है पहले पहले लगता है डर हो जाने क्या हो जाए मैंने तुझे कई बार शादी के बारे में लिखा मगर तूने हर बार इनकार कर दिया लेकिन घर में तो हर रोज शादी के ही चर्चे होते हैं अपनी देवी को ही देख लो साथ के गांव के नंबरदार का बेटा राजू उससे ब्याह करना चाहता है जी हाँ मेरी बड़ी बेटी का खत आया है उसे रिश्ता मंजूर है और फिर लड़का लड़की तो पहले से ही राजी है बस हमें तो सिर्फ आप लोगों की खांचा है मेरी बात छोड़िए आपकी बेटी के लिए मेरा बेटा एक पांव पे खड़ा तपस्या कर रहा है देख लीजिए कोई बात नहीं आज मंगनी कल ब्याह जरूर जरूर समझी जी मेरी आपसे एक शादी दो तीन महीने के बाद रखिएगा तब तक मेरी बड़ी बेटी भी आ जाएगी दो तीन महीने के बाद सुना आपने लड़का कितना उतावला हो रहा है आओ शालिनी आओ आप कैसे नजर आया हमारा घर हमारा घर नहीं नहीं शालिनी अपना घर अरे छोटू हजार वर्ष की आयु तुम्हारे जैसी देवी जिसकी बेटी हो इस संसार में उसे किस बात की कमी माँ कहाँ है माँ कहाँ है वो बारातियों के लिए प्रबंध करने के लिए रहने के लेकिन माँ तुम मेरे से आंखें क्यों धुला रही हो मेरे भाग समझ लो और क्या मुझसे बार बार पूछ रही है नहीं मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी लेकिन क्यों माँ क्यों ओहो मैं तेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं उसे नहीं देखूंगी बस सावित्री सावित्री जरा देखो तो ये मंगलसूत्र अच्छा है या नहीं देखो ना सोलह पर सोना दिया था ऐसा लगता है कि आजकल सोलह भी रस्सी के बराबर है अच्छा तो इसे छुपाने के लिए तुम उससे छुप रही थी माँ जहाँ इतने बच्चे तुमने मेरी गोद में डाल दिए वहां इसे भी मुझे सौंप देना एक और से क्या फर्क पड़ेगा चल इस तरह न देखो
तेरी आंखों की मार में नहीं सह सकती। इनमें हजारों सवाल हैं, जो तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रहे हैं। नहीं माँ, मैं सिर्फ एक सवाल तुमसे पूछती हूँ, सिर्फ एक सवाल। तुमने कई बार इस घर की चौखट को झाड़ा होगा, ऊंचा होगा, क्या एक बार भी आंख उठाकर ये नहीं देखा कि सामने दीवार पर क्या लिखा है? सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म लोचन सजल चोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत ना हो। चलनी चलनी बेटी। हाँ माँ। आगे रामायण तू पढ़ कर सुना। रामायण? हाँ। जब सीता जी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, इस अध्याय को पढ़कर आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं कि शब्द दिखाई नहीं देते। नहीं माँ, रामायण को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि क्योंकि मैं पवित्र नहीं। देख बेटी, रसोई घर में मत जाना, जा जाकर आराम कर। दीदी क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। पिताजी कहाँ है? काका के घर। आज अशोक का श्राद्ध है ना? मासे हेमंत ऋतु कृष्ण पक्षे पंचम ऋतु पिताजी। ओ शरणी। पिताजी बंद कीजिए, ये मंत्र बंद कीजिए। जानते हो ये मंत्र क्यों पढ़े जा रहे हैं? आज श्राद्ध हो रहा है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ बंद कीजिए। यही तो कर सकता हूँ मैं अपने बेटे के लिए, और तू इसे भी बंद करने क्यों कह रही बेटी? काका, श्राद्ध तो उनके लिए किया जाता है, शेष दुनिया में नहीं वो। मगर अशोक तो जिंदा है। अशोक जिंदा है? कहाँ बैठे हो? कहाँ देखा तुमने उसे? मैं उसको देखी हूँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ, मैंने उससे बातें की। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? बेटे, मेरे जिंदा रहने के लिए तो ये खबर ही काफी है। यही नहीं, वो आपसे मिलने के लिए भी आने वाला है। सच? सुखी रहो बेटे, तूने मेरी खोई हुई खुशियां मुझे लौटा दी। भगवान तेरी खिचौनी खुशियों से भर। काका, मेरी झोली पहले ही से इतनी भरी हुई है कि रोज लुटाती हूँ, पर खाली नहीं होती। खाली नहीं होती काका। शास्त्री जी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पूर्णा एक दिन इतना अच्छा गाने लगी। ये सब आप ही की शिक्षा का कमाल है मासी। ये आपकी लड़की है? मगर तुम्हारी बहन का तो जन्म से ही गला सुर में है। अरे भैरवी कसम, क्या गला पाया है, क्या गला पाया है। और एक मेरा घर है, 7 साल से बीन बजा रहा हूँ। अरे कोई भैंस भी होती तो दूसरी सुर में आ जाती। वसंती वसंती। अरे वसंती क्या पकड़ के बैठ गई है? चलते हो गई। दीदी, तुम्हारी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया था और मास्टर जी तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं चला मर्दों की घूरने का, तो अब असर भी नहीं होता मुझ पर। दीदी,
पुत्र नहीं हूँ माँ। मर्दों के घूरने का कोई असर नहीं होता मुझ पर, मर्दों के घूरने का कोई असर नहीं होता मुझ पर। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर कहते हुए कुछ डर लगता है। मैंने जो कुछ सुना है उसके डर से मेरी छाती फट रही है। बात क्या है? बात यह है कि जब गायत्री ने शालिनी से कहा कि तेरा पल्लू गिर रहा था, तो जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तुम धीरे नहीं बोल सकते? और तुम नहीं बता सकती कि उसने क्या कहा? ने कहा अब मर्दों के घूरने का कोई असर नहीं होगा मुझे। सब क्यों कहा? मतलब क्या होता है इसका? मेरी नन्ही सी जान इतने बड़े शहर में अकेली रहती है, ऐसे शब्द उसके मुझसे क्यों निकले, कैसे निकले? शालिनी के बाबू, अगर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम पागल नहीं हो जाओगी, पागल हो गई हो। सीधी बात का उल्टा मतलब निकाल रही। अरे जो लड़कियां घर से बाहर जाकर मर्दों के साथ मर्दों की तरह काम करती हैं, उन पर मर्दों की नजर का क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी बेटी देवी है, देवी के बारे में कुछ और सोचना जैसे जैसे चांद पर थूकना। वो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी। बातें ही करता रहेगा, कुछ काम भी करेगा। खाता भी रहूंगा तो मालूम है। मेहमानों की अच्छी तरह खातिर करना, कुछ कमी न रह जाए। बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। शालिनी और काम करती थी ना? करती थी, काम करने के लिए कम और दिखाने के लिए ज्यादा। तुमने शादी क्यों नहीं की? 11 बच्चों की माँ से कौन शादी करता? क्या कहा? 11 बच्चे तुम्हारे? ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं। ये क्या, इनके सर क्या हुए? मैं नहीं चाहती थी मेरे पाप इनके सर चढ़े, इसलिए मैंने इन्हें मिटा दिया। तो ये सब इसी तरह रहेंगे हमेशा बिना सर के? तुमने ठीक समझा। तुम में रूप के साथ अकल भी है। लेकिन मैं सिर्फ रूप का सौदा करती हूँ, अकल का नहीं। तुम ये धंधा छोड़ दोगी अगर तुमसे कोई शादी कर ले तो? तुम करोगे मुझसे शादी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। यहाँ जो कोई भी आता है यू ही पूछता है, यही पूछता है,
यहाँ सिर्फ तोते आते हैं, मर्द कोई नहीं आता। तो अब तक कितने तोते आ चुके हैं यहाँ? मैं उनकी गिनती नहीं करती, सिर्फ पैसों का हिसाब रखती। मैं तो छुट्टी मनाने यहाँ आया था और आज ही गांव वापस जा रहा हूँ। कैसी रही छुट्टी? सिर्फ तुम्हारे बच्चों की फोटो छोड़कर वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, लाजवाब। ये तो ब्राह्मण का परिवार लगता है। तुम ब्राह्मण हो क्या? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ब्राह्मणों के ऐसा काम करते हुए?
पूछो दूल्हा से जरा क्यों है गुस्से में भरा, ऐसी क्या मैंने कही तीर बन के जो लगी, क्यों झुकी जाए नजर क्यों पसीने में है तर, इसकी बातें मैं सभी कह देती हूँ अभी, कहो तो आज बोल दूँ, कहो तो आज बोल दूँ, मैं सारे भेद भूल दूँ कि दूल्हा शर्माए रंग उड़ उड़ जाए। यहाँ दफ्तर में काम करती थी ना? जी हाँ। अच्छा जी अच्छा। शालिनी को दिल्ली में क्या तनख्वाह मिलती होगी भला? यही कोई 500-600। 500-600? जी हाँ। अच्छा जी अच्छा। मैंने तो सुना था 1500-1600। 1500-1600? जी हाँ। अच्छा जी अच्छा। माफ कीजिएगा मुझे ठीक से पता नहीं। नमस्ते। 1500-1600? बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बैठे समुंदर की हवा के मजे लूट रहे हो। मुझे डर था कहीं लगन मंडप में तुम फसाद ना खड़ा कर दो, लेकिन अच्छा हुआ तुमने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता तो तुम्हें भरी सभा में नंगा कर सकता था। क्या मैं तुम्हें नंगा नहीं कर सकती थी? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम मर्द हो? मैं चाहता तो शादी रोक सकता था और सबके सामने कह सकता था कि तुम ऐसा नीच पेशा करती हो। तुमसे पहले मैं शादी रोक सकती थी, सबसे जाकर कह सकती थी कि तुम कितने गंदे शौक रखते हो। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मेरी बहन के दुल्हा तुम हो। खैर जो होना था सो हो चुका, अब रोने से क्या फायदा। मेरी बहन के नसीब में लिखा था तुम्हारी पत्नी बनना और वो बन गई। तुमने सुना होगा जिंदगी में लोग कुछ हासिल करने के लिए किसी भी हद तक पहुंचते हैं, और तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं किसी भी हद पर नहीं रुकी। और याद रखना मैं अपनी बहन की खुशी की खातिर इससे भी आगे जा सकती हूँ। मुझे माफ करना शालिनी, दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे हम दोनों भूलने की कोशिश करेंगे। मैं देवी से प्यार करता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, मैं देवी को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अब तुम्हें चोरों की तरह बाजार में रूप खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जा, जाकर अपने दुल्हे के दिल को जीत ले। अरे चल भी। क्या शरारत कर रही है? चल जाइए, चल चल। तुमने अपनी बहन को समझा दिया है? सावित्री। क्या बात है? तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? तू नादान क्या जाने इन बातों को, वो तो अभी तक कुंवारी है। दिल से दिल टकराए।
दीदी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी। हंसने की क्या बात है? मैं सोच रही थी मेरे सारे पर्स पूरे हो गए, अब मैं आराम से। अगर तुम सोच रहे हो कि वापस नौकरी पर जाऊंगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब घर का सारा बोझ मैं उठाऊंगा, बस मेरा एक काम कर दो। क्या काम? बस ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। आखिर है क्या, बता तो सही। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार? मैं सोचती थी घर के काम और अस्पताल की ड्यूटी से तुझे एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती होगी, फिर प्यार जैसी फजूल चीज के लिए तुझे कहाँ से वक्त मिल गया? तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सोचता है। अच्छा ले, तो मैं रोती सूरत बनाकर पूछती हूँ, उस लड़की का नाम क्या है? वही तहसीलदार साहब की बेटी उषा। वो नन्नी सी मुन्नी सी गुड़िया। गुड़िया अब छत जितनी ऊंची हो गई, पिताजी को सिर्फ तुम ही मना सकती हो दीदी। फिर दीदी का? शालिनी। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बस बस चल घर से। खुशू बेटा तुम्हारे। जिस बात पर मैं घर छोड़ के गया था वो बात ही नहीं रही। मतलब? मैं दफना आया हूं उस बात को। कैसी बातें करता है बेटा? पंडित जी कुछ भी कहिए, हमारी उषा है बड़ी भाग्यशाली, उसे डॉक्टर पति मिला है। क्यों जी? अच्छा जी अच्छा, उषा अब तुम्हारी शादी होगी, शहनाइयाँ बजेंगी। अच्छा जी अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कौन हो तुम? मैं तहसीलदार साहब का बेटा हूँ। अच्छा जी अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मुझसे प्यार करो ना। सगाई भी हो गई, शगुन भी लिया है तहसील साहब के घर, मगर याद रख ये शादी नहीं होगी। नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अगर होगी तो एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मीनू की शादी के लिए तुझे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। 15,000? वो भी तो तेरी बहन है। वो तो है, लेकिन 15,000 रुपए मैं लाऊंगी कहाँ से? दिल्ली में क्या मेरी टकसाल चलती है? टकसाल तो चलती है, मुझे सब मालूम हो गया है। नौकरी तेरी 2-4 सौ और आमदनी 2,500। बाकी पैसा कहाँ से आता है? बुआ जी ये आंखें मत दिखा मुझे, मुझे सब मालूम है। मर्दों के घूरने का कोई असर नहीं होता मुझ पर। बतलाना, मुझे मालूम है, इसका कोई जवाब नहीं है तेरे पास। मैं अभी तहसील साहब के घर जाकर अभी तेरा कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ, समझी ना? बुआ जी दोगी ना? तुम्हारे आने की खबर सुनकर मैं सीधा मंदिर गया भगवान को धन्यवाद देने, जिसने तुम्हें यह नया जन्म दिया। तेरे आने की खुशी में मेरे भी पांव जमीन पे नहीं टिक रहे। मैं तो इतने दिनों तक अपने आप को दोष देता था, बात मैंने की, घर तुमने छोड़ दिया अपने पिता का। छोड़िए ना पुरानी बातों को। अच्छा ये तो बताओ, ये शालिनी तुम्हें कहाँ मिली? शालिनी? मैं शालिनी से नहीं मिला। शालिनी? हाँ याद करो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शालिनी को कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। मिले? ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो आप तो इस बेचारे के पीछे ही पड़ गए। ये शालिनी के बारे में बात करना नहीं चाहता,
सुना सही ठीक बात है। अच्छा तो हम आ गया था मैं प्रसाद देना तो भूल ही गई। ओ दे आ जाते। मैं शालिनी से नहीं मिला ऐसा क्यों कहा तुमने शालिनी? झूठ क्यों बोला बेटा तुमने? इसलिए बाबा कि मैं शालिनी से नहीं मिला हूँ। तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो अशोक? नहीं बाबा, शालिनी ने ही मुझे सबसे पहले आके बताया था कि तुम जिंदा। बाबा मैंने कह तो दिया कि मैं शालिनी से नहीं मिला हूँ। तुम खामखा पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। शालिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ? हाँ सब कुछ। मुझे माफ करना। एक दिन एक शाम मैं उस शहर में बहुत अकेला हो गया था। इतना अकेला, इतना उदास कि मैं भटक गया। और उस काली रात को गुजारने के लिए जिस घर में पहुंचा वो घर शालिनी का था। मुझे क्या मालूम शालिनी पेशा करती है। अशोक, दोनों झूठ थे। मैं मर गया था वो भी झूठ था, वो जिंदा है वो भी झूठ है। हर रोज अपनी लाश को बेचना जिंदगी नहीं है बाबा। ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? बाबा मेरे पास और है क्या बोलने के लिए? बाकी तो सब कुछ शालिनी ने बता दिया था। शालिनी ने तो मुझे सिर्फ इतना कहा था कि अशोक मुझसे मिला है। बाबा? हाँ बेटे। नहीं बाबा, मुझे क्या मालूम था कि इन चार शब्दों में इतनी लंबी कहानी समाई हुई है। शालिनी ने सिर्फ इतना कहा और मैंने सब कुछ कह दिया। ये मैंने क्या किया बाबा? कि मैंने जो अपने देश की लाज बचाने निकला था वो एक लड़की का राज न बचा सका। ये मैंने क्या किया है बाबा? लानत है मुझ पे। शुक्र है अशोक तूने उनके सामने कुछ नहीं कहा, नहीं तो उन गरीबों पर ना जाने क्या बीतती। तुम चाहती हो कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ हो जाए? नहीं तो क्या तुम्हारे साथ? हाँ मुझे इनके साथ भी मंजूर है। देख ली तुमने अपनी बेटी की अकल मंदी? ऐसी गंवार और फूहड़ लड़की के साथ तो कोई लड़का क्या कोई कदापि शादी नहीं करेगा। और 15,000 दूंगी तो? हाँ हाँ 15,000। अरे 15,000 तो क्या, 1,00,000 रुपए भी दो ना तो तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मैं अपना रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। शाबाश बेटे। बंद करो ये हंसी। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, कल सारी दुनिया तुम पर हंसेगी। मतलब ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी बेटी मंदिर में नहीं किसी गंदी नाली में बहू बनकर जा रही है। मैं समझता था मैं एक महाविद्वान, एक उच्च कोटि के पुरोहित के घर में अपनी बेटी जा रहा। मुझे क्या मालूम था कि शास्त्री जी की बड़ी बेटी शहर में दूसरा ही धंधा कर रही। बस बस बहुत हो चुका। आप अभी तक पराए हैं, हमारे समधी नहीं बने। आपका ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं। तहसील साहब क्या करें, सुइयां भोंक लेंगे अपनी आँखों में क्योंकि सुई सोने की है। नहीं, मैं ब्याह नहीं रोकना चाहता। बहरहाल इस बारे में फैसला करने का अधिकार गौतम को। मैं चाहता हूँ इस पापन को घर से निकाल दिया जाए। छाया तक न पड़े मेरे घर पर ना मेरे ब्याह पर। गौतम शाबाश बेटे। ठहरो, तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं कहता हूँ तुम अंदर नहीं आ सकती। चीखो मत, हम जान गए हैं तुम्हारी सारी कथा। मर क्यों नहीं गई अपना शरीर बेचने से पहले? तो तुम्हें सब कुछ मालूम क्या है? तुम जानना चाहते हो पहली बार मैंने अपना शरीर क्यों बेचा?
किस लिए बेटा? हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बंद करो ये बकवास। तुमसे सुना भी नहीं जाता, मुझसे पूछो गौतम, किसे भुगतना पड़ा है? दूसरी बार तुम्हें 300 रुपए चाहिए थे। उन्हीं 300 रुपए के लिए गौतम तुम्हारी बहन को बिकना पड़ा है बाजार में। मैं मिट गई कि तुम कुछ बन सको, मैं खो गई कि तुम कहीं पहुंच सको। अपनी निष्ठा को बलिदान का दर्जा दे रही हो? बलिदान? तुम क्या जानो बलिदान क्या होता है? दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है, दूसरों के जिंदा रखने के लिए खुद मरना पड़ता है। और मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया है। किसी का जब कुछ खो जाता है तो उससे तरस आता है, लेकिन तुमने जो आज खोया है उससे तरस भी नहीं आ सकता। खोया नहीं, बेचा है, बेचा है अपने आप को। ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने दिए थे स्कूटर के लिए। पाप की कमाई को छूना भी पाप है। तुमने पैसे तो मेरे मुंह पर फेंक दिए, मगर वो डॉक्टर की डिग्री फेंक सकते हो जो तुम्हारी बहन ने तुम्हें कमा कर दिए? नहीं, तुम नहीं फेंक सकते गौतम, नहीं फेंक सकते। बातें ही करते रहोगे जवाई जी, इस उल्टा को घर से निकालोगे नहीं? आपको डॉक्टर सामान मानिए, लेकिन उस बहन से इंसान है जिसने उसे डॉक्टर बनाया। छोड़ो माँ, जहाँ इंसान को फायदा होता है वहाँ अपने आप को धोखा देने के लिए छोटी तसल्ली भी दे सकता है। तहसीलदार साहब, एक गिरी हुई औरत के लिए अपने डॉक्टर दामाद को छोड़ देंगे? ओ, बहुत हो चुका, बंद करो ये बकवास। हम इससे कैसे निकल जाएगा? निकाल के रहे हो, इसका तो तुम अंतिम संस्कार भी कर चुके हो। माँ, पिताजी ने तो मेरा अंतिम संस्कार अब किया है, मैं तो बहुत पहले ही से मर चुकी हूँ। बहुत भाषण हो चुका तेरा, चल निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे ये क्या रहा है, निकाल सकते देखा? तुम भी इसे मत छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अशोक, अच्छा होगा तुम हमारे घरेलू मामले में दखल ना दे। मैं दखल दे नहीं देना चाहता, इसलिए तो बाहर खड़ा हूँ। चलो शाली, जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से, हमें कोई परवाह नहीं। गांव की गलियों में जहाँ बीसियों कुत्ते फिरते हैं वहाँ एक और सही। काम नहीं है गए तो मुझे भूल जाए। आप गांव के मुखिया हैं, तब गांव आपका इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो साथ शालिनी भी जाएगी। ये संभव नहीं। अशोक ठीक कह रहा है शास्त्री जी, लेकिन जगन्नाथ जी, शालिनी मेरे लिए मर चुकी है।
तो फिर हमारे लिए सारा गांव मर चुका। शाबाश बेटे, तूने मेरे दिल की बात कही। देखा शो, पिताजी ने मुझे चीते जी मार दिया, मुझे मरने से इंकार नहीं, पर मेरे मरने के बाद कई सवाल उठेंगे, कोई कहेगा ये ब्राह्मण का मुर्दा है, कोई कहेगा ये अछूत की लाश है, चार जाति से चार आदमी नहीं मिलेंगे मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए, इसलिए इसलिए मैंने सोच लिया है मैं मरूंगी, लेकिन लेकिन यहां नहीं मरूंगी, यहां नहीं मरूंगी, यहां नहीं मरूंगी। ये मरने की बातें छोड़ो शालिनी, अगर मौत सच्चाई है तो उससे बड़ी सच्चाई जिंदगी है। जिंदगी मेरे लिए तो अब सिर्फ मौत की बाहें खुली है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं नहीं शालिनी नहीं, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए, मेरे लिए, मेरे और अपने सब पीछे रह गए हैं, चांद और सूरज सब बुझ गए हैं, रात के अंधेरों ने उन्हें निगल लिया है, उन्हें निगल लिया है। तुम एक बात शायद भूल रही हो शालिनी, घने से घने अंधेरे एक छोटे से दिए के सामने हार जाते हैं, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में एक दिया जलाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं फिर से हंसने लगी हूँ, मैं तो हंसना भूल ही गई थी, लेकिन लेकिन मेरी हंसी वापस लौट आई है, इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या मैं फिर से वही पुरानी शालिनी बन गई हूँ? नहीं नहीं, पुरानी शालिनी नहीं, नई शालिनी बन गई, आग में नहाकर तुम सोने से कुंदन बन गई। हाँ क्या दो शादी के लिए शालिनी? अशोक, जिसने जिंदगी में किसी भी चीज के लिए ना नहीं कही हो, उसके लिए आज हाँ कहना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है। अशोक बजने दो शहनाइयां उधर, पढ़े जाने दो मंत्र, भले सारा गांव उधर हो, गांव का मुखिया यहां है, मैं पढ़ूंगा मंत्र, मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। बेटे तुम्हें शालिनी से आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं नहीं मां, मुझे मां मत कह, तेरी मां तो वहां है, मैं उस उल्टा का मुंह तक देखना नहीं चाहता, समझी?